दिल्ली में इस साल भी बिना पटाखों वाली दिवाली ही बनेगी। दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और भंडार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से खतरे से बचाने के लिए पिछले सालों की तरह इस साल भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडार, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रतिबंध कब से लागू होगा। अक्टूबर से दिल्ली की हवा खराब होने लगती है। इसके दो कारण हैं कि पहला तो ये अक्टूबर के मौसम बदलने लगता है, तापमान गिर जाता है और हवा की स्पीड भी पर भी असर पड़ता है जिसके कारण पॉल्यूशन जम जाते हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है। इसी मौसम में दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसान पराली भी जलाना शुरू कर देते हैं, इससे प्रदूषण और बढ़ता है। दिवाली में पटाखे फोड़ने से हालात और खराब हो जाते हैं। प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए पिछले साल भी दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया था, इसलिए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।